हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं रिक्रिएट करने जा रही हूँ नेहा कक्कड़ का ये वाला लुक। ये उन्होंने कैरी किया है इन हर न्यू सॉन्ग नाराजगी, वेयर शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली एलिगेंट। तो ये वाला लुक आज मैंने ट्राई किया है। आई रियली होप कि मैंने थोड़ा मोड़ा जस्टिस किया होगा। अगर आपको जानना है कि ये लुक मैंने कैसे रिक्रिएट किया है, प्लीज पूरे वीडियो को देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, आज के वीडियो में ना मैं कुछ चीजें न्यू भी यूज करने जा रही हूँ जो मैंने आज तक यूज नहीं किया है। एक तो मैं मेरा ये नया परचेज है गुड वाइब्स का टेंडर कोकोनट टोनर। ये जो टोनर है ये मैं पहली बार यूज करने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने गुड वाइब्स का रोजेप टोनर यूज किया है जो कि बहुत ही अच्छा है। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट होता है। सो विल शेक इट अ लिटिल क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज करने जा रही हूँ। देन विल स्प्रे थोड़ा सा बाहर। सो इट स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक कोकोनट। सो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज करने जा रही हूँ अगेन एक न्यू प्रोडक्ट। ये भी गुड वाइब्स का ही है, कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम। सो ये भी मेरा एक नया परचेज है एंड आई हैव नेवर यूज्ड इट। मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज करने जा रही हूँ एंड दिस ऑल्सो स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक कोकोनट। लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं मेरा फेवरेट जो यूजुअल है बायोटिक का बायो फ्रूट, ये यूज करने जा रही हूँ। स्किन केयर इज डन, नाउ लेट्स मूव टू द मेकअप पार्ट। सबसे पहले मैं प्राइमर के लिए ले रही हूँ मेरा लॉरियल का बेस मजिक प्राइमर। इसका कंसिस्टेंसी कुछ ऐसा है, ये थोड़ा सा थिक है बट ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। प्राइमर के बाद मैं यूज कर रही हूँ अगेन एक नया प्रोडक्ट जो मैंने आज तक नहीं यूज किया है। ये है पर्पल का कैफीन कॉमरेड लॉन्ग स्टे फाउंडेशन और जो मैंने शेड चूज किया है वो है 03 और मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि ये शेड मुझे मैच करेगा कि नहीं क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। अंदर से ये बॉटल कुछ इस तरीके का दिखता है। ओके गाइज, तो ये इस तरीके से पम्प फॉर्म में आता है जो कि काफी क्यूट है और काफी स्लीक सा बॉटल है। इसको थोड़ा सा हम शेक करेंगे और मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ। फिलहाल मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लिया है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये फाउंडेशन किस तरीके का है। इसको ब्लेंड करने के लिए मैं ले रही हूँ ये मार्स का ब्यूटी ब्लेंडर। ये फाउंडेशन पता नहीं क्या क्लेम करता है बट आई थिंक इसका जो भी कवरेज है वो मीडियम है, मतलब शेयर टू मीडियम तो कवरेज इसका आराम से है। हम चाहे तो इसको बिल्ड कर सकते हैं और ज़्यादा, पर अच्छा हुआ मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लिया, मैंने कम ही प्रोडक्ट लिया है। अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। इसके बाद मैं लूँगी कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं ले रही हूँ NYBay का रनवे फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्टर स्टिक और इसमें जो मेरा शेड है वो है 03 और ये इस तरीके के फॉर्म में आता है। कंसीलर को आप चाहे तो ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं लेकिन मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ही ज्यादा मुझे कंफर्टेबल लगता है ब्लेंड करने में। मैं ले रही हूँ मार्स का ट्रेंड सेटिंग पाउडर। इसमें जो मेरा शेड है वो है सॉफ्ट लाइट। अंदर से ये कुछ इस तरीके का दिखता है, नीचे ये प्रोडक्ट है एंड इसके साथ आता है एक एप्लीकेटर जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। नाउ आफ्टर 2 मिनट लेट्स डस्ट दिस ऑफ ताकि मैं आगे का प्रोसेस कर सकूं। आईब्रोज के लिए मैं ले रही हूँ NYBay का ब्रुकलिन ब्रिज आईब्रो पेंसिल इन द शेड ब्लैक। इसके बाद आई शेडो के लिए मैं ले रही हूँ पॉपजो मेकअप कलेक्शन का सेंट न्यूड्स। इसमें बेसिकली सारे ही न्यूड शेड्स हैं और इसमें सबसे पहले मैं
इसे फॉर्म करूंगी ट्रांजिशन इस वाले शेड से, और ये हल्का सा बिल्कुल शिमरी शेड है, इसको मैं आईलिट पर अप्लाई करूंगी। उनका जो आई लुक है ना वो यू नो काफी सिंपल है, बट यू नो रोज कलर में है लाइक, तो मुझे आई लुक में इससे ज्यादा कुछ और नहीं दिख रहा है, तो मैं यहीं पर छोड़ रही हूँ आई लुक को। और मैं एक पतला सा आईलाइनर ड्रॉ करूंगी, काजल नहीं लगाऊंगी मैं क्योंकि उन्होंने नहीं लगाया, मतलब लाइक लोअर वाटर लाइन पे मैं काजल नहीं लगाऊंगी क्योंकि उन्होंने नहीं लगाया हुआ। तो इससे मैं ये है मार्स का स्केच लाइनर, इससे मैं बिल्कुल पतला सा आईलाइनर ड्रॉ करूंगी। ओके सो इट्स डन। इसके बाद मैं यूज करूंगी काजल, और काजल के लिए मैं अगेन मार्स का वोंट स्मच वोंट बज काजल यूज कर रही हूँ। और काजल जैसे कि मैंने बताया था मैं लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपर वाटर लाइन पर अप्लाई करूंगी। सो डन। इसके बाद मैं अपनी आईलैशेस को कर्ल करूंगी और फिर थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई कर लूंगी। हाइलाइटर ब्लशर और कॉन्टोर के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ब्लश पैलेट। इसमें से सबसे पहले मैं कॉन्टोर शेड लूंगी ये वाला, और इससे मैं करूंगी कॉन्टोरिंग। अच्छा, ये करने के बाद मैं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट के लिए मेरा सेम यू नो कलर बार का कॉम्पैक्ट है जिसको मैं बिल्कुल हल्के हाथ से अप्लाई करूंगी। ब्लशर के लिए मैं ले रही हूँ ये वाला, ये पीच ब्लशर है, इसको मैं यूज करूंगी। हाइलाइटर भी मैं इसी पैलेट से यूज करूंगी, ये वाला हाइलाइटर। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, इससे सब कुछ फिक्स कर लेंगे। ओके सो लिप्स को मैं फाइनली एक बार और मॉइस्चराइज करूंगी, एंड देन मैं ले रही हूँ ये स्टेक वर्की का बोल्ड टॉक लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड रोज टू फेम। ये इनका नया लॉन्च है और इसका रिव्यू मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर किया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये वाला शेड स्पेशली बहुत ही ब्यूटीफुल है। वाओ, दिस शेड इज सो ब्यूटीफुल। इसके बाद ना उन्होंने एक ब्लैक कलर की बिंदी भी अप्लाई की हुई है। सो द मेकअप पार्ट इज डन, आई विल नाउ मूव टू द हेयर। और हेयर के लिए उन्होंने आई थिंक मिडल से थोड़ा साइड का पार्टीशन किया हुआ है, लेट मी सी मैं कितना कर सकती हूँ। सो गाइज, दिस इज हाउ आई रिक्रिएटेड दिस लुक। आई रियली होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए प्लीज, इट्स फ्री। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद येट अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।